हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं अब घर में अकेला हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको लाइफ विदाउट वाइफ भी किरण के ब्लॉग में दिखाया जाए कि मैं कैसे रह रहा हूँ। तो आज, और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों तक क्यों नहीं ब्लॉग में बनाता हूँ और ब्लॉग में आता हूँ, उसके पीछे भी रीज़न क्या है मैं बताऊँगा आपको। और मैं मुंबई क्यों नहीं गया उसके पीछे भी रीज़न क्या है वो भी आपको बताऊँगा। ओके गाइस, तो लखनऊ से तो आपने राज को देख लिया, यहाँ पर देखिए क्या तैयारियाँ चल रही है। ये सारी तैयारियाँ यहाँ पर घर पर रहकर पिया करवा रही है और मैं पापा को घुमा फिरा रही हूँ, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि हम घर पर कुछ ऐसा डेकोरेशन कर रहे हैं। तो वो आपने कल के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। इनकेस कल का ब्लॉग आपने मिस कर दिया है थोड़ा बहुत भी, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक कंटिन्यू ब्लॉग है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, जब तक घर पर डेकोरेशन का ये काम चल रहा है तब तक मैं पापा को बिज़ी रखती हूँ बाहर, और फिर जब घर में ये बलून्स लग जाएंगे तब उन्हें लेकर आऊँगी और फिर इसी ब्लॉग में आप देखेंगे कि कैसा रहा उनका रिएक्शन इस डेकोरेशन को देख कर। दोनों को भेज दिया, बड़ा घूमना पड़ा गाइस, बड़ा घूमना पड़ा है। और अभी मम्मी भी लेकर गई है, कुछ थोड़ा 5-10 मिनट का ही रह गया। मैं कितना उन्हें घुमाती पता है, वो भी समझ गए थे कि इतना क्यों घुमा रही है। मम्मी की रंगोली बन गई है यहाँ पर। खोलो गाइस दरवाज़ा, अरे दरवाज़ा खोलो, कोई कोई दरवाज़ा खोलो। अरे कहाँ गए भाई हमारे घर वाले, मेरे को ही लात मारना पड़ेगा, मेरे हाथ में सम्मान है। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी का पहले ही खड़ी हो गई है फाइनली पापा को, अभी हम लोग दिखाएंगे हमने क्या किया। रुको और बोलकर कार लेकर गई, वो कुछ किसी और चीज में बिजी हो गए हैं गाइस। नाना देखो प्लांटिंग में बिजी हो गए। ये देखिए इनकी नई, उन्होंने ऐसे कुछ तो बनाया है प्लांट्स के लिए, जैसे हम लोग डॉग्स वगैरह के लिए बनाते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स के लिए। मेरे पापा ऐसे स्ट्रीट प्लांट्स के लिए बनाते हैं। देख रहे नाना स्ट्रेट आगे आगे सरप्राइज। वेरी नाइस, आपने बनाया कैसा वाटला पापा? देखो आपके टी शर्ट से एकदम मैचिंग। तो आज खाने में क्या बना रहा हूँ मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। अकेले हूँ पर मैं खाना में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। खाने में बनी है प्लेन दाल, ये है तुअर की दाल यानी अरहर की दाल, और ये बनाया है मैंने। प्लेन क्यों बनाया है, क्योंकि मैं बना रहा हूँ सरसों और पालक का साग। ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है, ये सरसों और पालक आपको दिख रही है, अभी अभी चढ़ाए पक रही है, तो साग के साथ प्लेन दाल ही अच्छी लगती है, इसलिए प्लेन दाल। और इधर मटर भी मंगा के रखा हूँ, और राइस, और बनेगी बनाऊँगा रोटी। तो ये होगा खाने में, और बहुत सारा सलाद भी मैंने निकाल रखा है, ये देखिए बहुत सारे सलाद। ये सब अभी इसको सॉटे करूँगा, फिर इसको खाऊँगा पहले, फिर खाना खाऊँगा। तो मैंने सोचा किरण नहीं है तब तक थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। और ये देखिए मैंने ब्लूबेरीज भी मंगा रखी है, बहुत सारे फ्रूट्स भी मंगाए हैं जो सुबह खाया, मैंने दिखाना भूल गया आपको। और मैंने चीनी बंद कर दिया है, चीनी की जगह ये गुड़ यूज करता हूँ, तो हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है पूरा। तो खाने में दो प्लेट लगी है, एक में सैलेड है, देखिए सारा कैप्सिकम वगैरह, रेड येलो ग्रीन, ब्रोकली, ककड़ी, मूली, टमाटर, गाजर, हरी धनिया, और इधर प्लेन खाना है सरसों और पालक का साग है, रोटी है और दाल है और राइस है। तो खाना पूरा कंप्लीट बनाया मैंने, चलिए खाना खा लेता हूँ। लेकर आई है आइसक्रीम, नाना भी और ये भी लेकर आए, दोनों लेकर आए हैं।
इस तरह से नाना अपना 60वां बर्थडे मना रहे हैं आइसक्रीम खाते हुए। कौन सा, बटर स्कॉच पापा? शालीमार। शालीमार। और तुम्हारा लिकेबल? नहीं, चॉकलेटी। नाइस। मामी के लिए नहीं लाए? मामी बोले नहीं। शिट, यू मिस द चांस। मस्ती विद नाना कुछ इस तरह से चल रही है। इस तरह से नाना अपने बर्थडे को मनाते हुए, बहुत ही यूनिक तरीका है। देखा था कभी किसी को? देखा था अपना खुशी तो देखो, मतलब उनको उसी में खुशी और उसको तो और भी खुशी। और उनको कब से मैं पूछ रही, कुछ तो बता, बर्थडे प्लान बता। तो कोई मतलब मोह माया त्याग चुके हैं मेरे पापा, और कुछ नहीं। हाँ पापा, यही है आपकी खुशी का राज? नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग। सेहत करा। जाओ पापा, इसको लेकर जाओ। नहीं, इसको नाना को जाना है। मतलब जब इंसानों को भगवान बना रहे थे ना, तो मेरे पापा के वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल उनका जो ऐसा इमोशंस को उन्होंने ऐसे बैठ कर बनाया भगवान ने। भूल गए? नहीं, उन्होंने उनमें बहुत ज्यादा मतलब उनको ऐसे दिया नहीं भगवान ने, ज्यादा लोभ माया ये सब का उनको नहीं दिया है भगवान ने। एकदम काम डाउन बिल्कुल। और राज का फोन आ रहा है, बहुत अच्छी बात कर रही हूँ। मेरे पापा की तारीफ हो रही है भाई। मेरे पापा कुछ बर्थडे प्लान नहीं कर रहे। देखो पापा क्या हो रहा है, लोगों का बोर हो रहे हैं। आपकी पार्टी का इंतजार करते करते लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं। हेलो, मजा आई? ये देखिए, बर्थडे बॉय ने फाइनली डिसाइड किया कि मसाज देंगे। You might be the one that truly get me, and I might be the one you really want, and I feel it too. यहाँ पर देखिए, कैंडिड मोमेंट। मम्मी ने गुलाब दे दिया पापा को 60 साल के बाद। क्या बोल रहे बाबा, 60 साल के बाद बेचारे के घुटने दुख गए होंगे, उठ जाओ। अब वो गुलाब पापा मम्मी के सर में लगा दो। खत्म हो गई है गाइस, फाइनली हमने काफी फोटोशूट की है, और इतनी मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, बहुत दिमाग लगा कर फोटोशूट की है। तो पापा पेमेंट कर देना है, ऐसे किसी को बुलाते तो बहुत पैसा लेते हैं, 10-15-20 हजार। हाँ जी, हाँ जी। आप पैसा जरूर। सुनो, आधा आधा पैसा, आधी फोटो मैंने खींची है, आधी फोटो पिया ने खींची है। तो अभी हम लोग, थैंक यू, अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ, मैं तो और छोटा ली थी ना कल जो था। पता नहीं, तो पिया मेरा शूज जो कल मैंने डीमार्ट से लिया था, अच्छा लग रहा है ना ऐसा, मतलब थोड़ा सा पार्टी वगैरह। ओके गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं पापा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। हम खुद ही लेकर जा रहे हैं पापा को। पापा को पूछ पूछ के थक गए, किधर जाएंगे किधर जाएंगे, तो पापा तो बोलने से रहे, तो हमने बोला ठीक है भाई, हम ही लेकर चलते, सीजलर खाएंगे। खाना ऑर्डर करके घंटों हो गए, पर कुछ आया नहीं अभी तक। हाँ, अनिका बताएगी। तो गाइज, इधर पिज्जा आ गया है, और गाइज इन्होंने क्या किया है, इधर एक गेम लगाया है जो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, मैं आपको दिखाऊं। पजल बोलते हैं? हाँ, पजल नहीं, वर्ड सर्च गेम, वर्ड सर्च ना। ये देखिए, ये मैंने पूरा कर लिया है, इसमें वो क्वेश्चन भी दिए थे दो, और टिक टैक टो भी दिए थे।
और ये सब क्यों दिया था पता है? जिससे आपका अगर खाना लेट भी आए तो भी आपका दिमाग इसमें रहे और आपको पता ना चले कि लेट हो गया हमारा खाना। ऐसा इसके आगे बोला ये सब तो मामी ने ज्ञान दिया। हाँ ये आपको मामी ने ज्ञान दिया। क्रेडिट्स गो टू मामी, मामी को क्रेडिट्स होना चाहिए। डिनर हो गया हमारा। ये पहले हम लोग यहाँ पर आते थे पर अब इस जो भी है ये पाम बीच गैलरी यहाँ इसमें रौनक ही चली गई है। 3 साल पहले हम लोग यहाँ पर हमेशा लंच डिनर के लिए आते थे। मम्मी पापा गए कहीं तो पता नहीं कहाँ गए और हमने सोचा कि जब मम्मी पापा कहाँ तो गए हैं हम बच्चों को घर पर छोड़ के तो हंगामा करना बनता है तो चलो अभी ठुमकेश्वरी हो या जो हो चलो थोड़ा डांस कर लेंगे भले पापा ज्वाइन करे या ना करे। अरे देख लो ना इसमें इधर है ना भाई। अरे हाँ 11 बजे और हम दोनों रिमूव कर रहे हैं मेकअप। मैं इधर और अभी हमने पापा और पिया इधर और मैं ऐसे बैठी थी तो मेरे को आने का बोलती मम्मी मेकअप रिमूव करो ऐसे नहीं सोते मेकअप रिमूव करो। उसने प्रूफ किया कि वो मेरी बेटी है जो कि बिना मेकअप रिमूव किए ऐसे नहीं सोते मम्मी ना स्किन खराब हो मैं तो फिर वही पर जा रही थी तो फिर ये पिया ने मुझे वाइब दिया कि दीदी ये कुछ नया आया इसको ट्राई करो। निकल तो रहा है नॉट बैड। और गाइस केवल 29 मैंने तो कुछ लगाया था तो भी निकल रहा है कुछ लगाया नहीं था तो भी निकल रहा है मट्टी निकल। तो यहाँ पर हम आ गए हैं व्लॉग के एंड में। आई रियली होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं बुरी तरह से थक गई थी इसलिए व्लॉग प्रॉपर एंड नहीं कर पाई पर आपको कल परसों के व्लॉग्स की लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी वो चेक करिएगा अगर इनके सामने मिस कर दिया है तो। और मैं आपको मिलती हूँ कल के प्रॉपर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर। Todas tus amigas say you miss me, girl. Tú necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.